को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में मॉर्निंग के 8 बजे से गाइस। और मैं हूँ जो हूँ उत्तराखंड की एक सुंदर सी वादियों सुंदर वादियों में बसा एक पौड़ी जनपद है, पौड़ी जनपद के एक सुंदर से गांव के सुंदर से। और आज की वीडियो में मॉर्निंग के 8 बजे स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। और हमने मैंने बना दिया नाश्ता पानी और सब तैयारी कर ली है और आग भी जला रखी है। मैंने नहाना है इसलिए मैं पानी रखा कंटर में और धुआं भी आने लग गया कंटर से पानी से। और ये देखो गाइस मैंने बर्तन धोने के लिए यहाँ पे रखे हैं और बाहर लगी है फर्स्ट क्लास बारिश, इतनी खतरनाक बारिश लगी है गाइस। आप भी देखोगे कि पौड़ी का मौसम, मैंने गलत नहीं कहा, अपनी टाइटल में डाल रखा जो गलत नहीं कहा है, पौड़ी का मौसम जो है बम्बई के मौसम के और बम्बई के फैशन की तरह पौड़ी का मौसम भी बदल रखा है। फैशन रोज बदलता है वैसे ही पौड़ी का मौसम। आजकल गर्मियों में सरकम मतलब अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, मई का महीना ही लगने वाला है। और देखो यहाँ की गाइस कितनी सुंदर बारिश लगी हुई है और ये देखो। और हमारे सारे रोज के काम जो हैं वो रुके हुए हैं, जैसे हम रोज़ के काम जैसे जो रहते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और भारी अंदर ही मैंने बर्तनों को धोने के लिए यहाँ व्यवस्था कर रखी है, यहाँ अंदर ही धोती हूँ बर्तन और साथ में चूल्हा भी जला रखा है क्योंकि यहाँ लग रहा है ठंडा एकदम, जैसे बरसात वो जब सर्दियों का मौसम रहता है वैसे ही हो रखा है यहाँ का जो मौसम है। और मैंने कंटर में साथ में पानी रखा है और मैं जाऊँगी आज अपने मायके, मेरी बहन की शादी है। देखो गाइस यहाँ लगी हुई बारिश, सारे लोग मेरी देवरानी लोग उधर हैं क्योंकि बारिश लगी हुई है, सब चूल्हे पे बैठ रखे हैं खाना खुना बना रहे हैं। और ये देखो कितनी मोटी बारिश लगी गाइस, इतनी मोटी बारिश लगी। और साथ में मेरे बच्चे भी चले गए स्कूल और ये जाएंगे अब ड्यूटी, ये भी तैयार हो रहे हैं। नाश्ता नूस्ता मैंने बना चुकी हूँ गाइस। और ये देखो खतरनाक वाला हो रखा है, भैंस को भी डालती घास में। अच्छा वो हम घास ला गए थे गाइस कल, मैंने कहा था मतलब मैं सोच रही कि शाम को जाएंगे घास के लिए और पर वो क्या बोलते हैं तब तक बर्फ आएगी। कल शाम को से मौसम ऐसा हो रखा है बारिश वाला, मतलब 2:30-3 बजे से बारिश आने शुरू हो गई थी और अभी तक बारिश आ रही है। थोड़ा ही देर बारिश नहीं रुकी हुई थी, थोड़ी देर बारिश रुकी थी। और देखो यहाँ का मौसम एकदम मस्त वाला व्यू हो रखा है। मैं आपके लिए गाइस बनाती हूँ वीडियो धूप में बारिश में जाके। तो गाइस ये मेरे यहाँ का मौसम। मेरी वीडियो को गाइस लाइक किया करो, शेयर किया करो और अच्छे अच्छे से कमेंटमेंट किया करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। मैं आज अपनी मायके, आज वहाँ मेरी बहन की कल होगी ना समेरी, पर आज वैसे ही डीजे वगैरह है और वहाँ जाएंगे आज करके वीडियो बनाऊंगी वहाँ की, आपको दिखाऊंगी वहाँ का, अपडेट कराऊंगी आपको वहाँ की जानकारी के लिए। बारिश और ठंडा हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है गाइस। देखो ये देवर जी है मेरे हमारे यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। शादी में ये निकल चुके हम अपने घर से, हमारा केशुधर गांव है सामने। फोन नहीं गिरा तब क्यों बात, सुंदर लड़की है देखो ये फैस सुहानी बड़ी ये सुहानी। बोला ना टेंट जहाँ से कल बारात हमारी आएगी। ये है दूल्हे वालों का घर, ये जो घरों घर कुछ है हमारे खेत डांग में जहाँ दूल्हे का घर है। ये मेरे देवर जी हैं, उसके मामा हैं दूल्हे के, और ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं देवर जी।
पीछे वाले, और ये टेंट दूल्हे का। और देखो गाइस कितना पानी हो रखा है, यहाँ पानी पानी हो रखा है। और मैं भी जा रही अपने मायके, और अब देखते हैं, हालत ख़राब हो गई आज ठंड से। तो गाइस क्या हो रखा है यहाँ, चिली की ननद, शीतल की ननद है गौरी, इसका नाम ना 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 पीठे पैसा ना यार पैसा ना कुछ हेलो गाइस जबरदस्त कर रहे हैं। ये देखो गाइस ये है मेरी बहन का घर जहाँ उसकी बारात आएगी परसों, मतलब जो शादी हो रही है यहाँ से हो रही है। और हम भी यहाँ आ रखे थे, देवर जी को यही छोड़ेंगे हम, क्योंकि देवर जी दूल्हे के मामा हैं। और ये देवर जी हर में जा रहे हैं नीचे पे, टेंट प्लॉट है यहाँ पे। यहाँ लगी हुई बारिश, बहुत बारिश लगी हुई है। मैं भी जा रही थी श्रीनगर, देखो मस्त मौसम हो रहा था एकदम। देखो दोस्तों ये है केमिस्ट शॉप, यहाँ पे दवाई वगैरह मिलती है। देखो गाइस श्रीनगर का मौसम एकदम बारिश ही बारिश हो रखी है। यहाँ पे मिठाई लेने के लिए और ले जाऊँगी लड्डू चाचा लोगों के लिए। यहाँ है गोला मार्केट जाने वाला रास्ता है, और ये हमारा स्टेशन पौड़ी स्टेशन है यहाँ पे, पौड़ी अड्डा बहुत यहाँ पे। ये है हमारा बरगद का पेड़, बहुत बचपन से हम भी देख के आ रहे हैं जब से हमने लगी हुई है। लोग भी देखो श्रीनगर मार्केट हमारा, ये है हॉस्पिटल ऊपर, और ये है श्रीनगर मार्केट। फल फ्रूट वगैरह सब बिकते हैं यहाँ पे मस्त करके श्रीनगर मार्केट। और भैया की ठेली यहाँ पे, इतनी बारिश में भैया भीग रखे, तभी भैया लगे हैं अपने काम पे। देखो गाइस हम तो अपने घरों में कभी सेफ रहते हैं, भैया लोग कभी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो गाइस मैं जा रही हूँ घर अपने गाँव। हे गाइस मैं पहुंच चुकी अपने घर अपने मायके, मेरी मम्मी है साथ में और मैं साथ में खा रही हूँ मिठाई। आओ गाइस आप भी खाओ मिठाई। दोस्तों मैं पहुंच गई अपने मायके, और अब मैंने पहने सूट, और ये है मेरी मम्मी लोगों का घर, ये है मेरी मम्मी लोगों का किचन। देखो गाइस मेरी मम्मी लोगों का किचन, देखो गाइस ये है किचन हमारा मम्मी लोगों का। देखो गाइस ये रखा हुआ गैस चूल्हे में, और बर्तन बर्तन कुछ नहीं, खाली एकदम मस्त वाला, साफ सफाई कर रखी है, अच्छे में भी हो रखे हैं। मैं अपनी मम्मी से मांग के छः में ले जाऊँगी घर। वाह कितनी छः में लगी हुई है, देखो गाइस छः में, देखो गाइस बहुत सारी छः में पड़ी हुई है। और ये है मेरी मम्मी लोगों का घर, ये मेरी मम्मी लोग यहाँ पे मेरी मम्मी लोग सोते हैं, ये मेरे मम्मी लोगों का बेडरूम है गाइस। देखो और एक कमरा ये है, एक ऊपर है, मैंने बैग वैग रखे यहाँ पे गाइस। यहाँ मेरे भाई लोगों का कमरा है, अभी वही रहते हैं। यार मम्मी लीड रखी मजे से, लगा रहे पिठाई। ये है मेरी भाभी, ये है मेरे ताई जी, ये मेरे ताई जी, ये है मेरी चाची, ये मेरी चाची रुजाई, ये तुम खड़ो रहो। ये है हमारी बहू और भतीजी, भांजी भी लगती है, दिखानी नहीं है चाची, दुल्हन की मम्मी। ये बहू इधर इन्हें कर दीक्षा, हाँ इधर कर दिया। ये है मेरी चाची दिल्ली, दिल्ली वाली चाची, ये दिल्ली वाली ताई। भाभी जी अरे देखो हमारी गाय से हमारी रोटी, देखो कैसे सुंदर बनी हुई है। देखो मेरी ताई सेक रही है रोटी, देखो दिल्ली वाली ताई है मेरी, दिल्ली वाली मैडम। गाइस मेरी बहन शादी के
हमारे गांव के कलाकार हैं, खूबसूरत खूबसूरत कलाकार। मेरी बहन और ये भतीजी है गाइस, मेरे भाई यहाँ पे लगा रही मेरी भतीजी मेरे पे मेहंदी, जब पूरी लगा देगी उसके बाद बताऊंगी। ये देखो गाइस, ये दिल्ली वाली चाची और ताई है, मेरी बहन दुल्हन का भाई, ये दुल्हन का भाई है के जीजा जी। हो रहा है फोटो शूट शीतल, मेरी बहन का फोटो शूट हो रहा है गाइस। बहुत ज्यादा नजदीक कर लिया गाइस फोटो शूट शीतल का, हमारे गांव के मवाली नंबर है ये मधु झुले में।
गुड नाइट। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और कल मिलूँगी सुबह नई वीडियो में। अपनी बहन की शादी में जा रखी मैं, तब तक गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।